मैं मलाई घेवर के बारे में बताने जा रही हूँ आज। अब पहले हम मलाई घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है एक पतीले में, और अब उसके बाद हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। 2 कटोरी 1 कटोरी में डाल दिया है। अब हम 1 और कटोरी ये देखिए डाल दिया। अब हम दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में इसको, और बॉईल होने देंगे। ये देखिए बॉईल कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट डाल दिया, और हम घेवर का बैटर के लिए तैयारी करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 चम्मच घी लिया, देसी घी, और इसमें आइस के 2-3 टुकड़े डाले, और उसको हाथों से अच्छी तरह मैश कर लिया, मिला लिया। फिर अब देखिए इसको मिलाते रहिए। कुछ देर बाद इसको मिलाने पे इसका टेक्सचर ऐसा वाइट सा क्रीमी सा हो जाएगा, और इसको क्रीमी करने के बाद हम बर्फ़ के टुकड़ों को निकाल लेंगे, और फिर उसको थोड़ी देर और इस हाथों से मिलाएंगे। फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर मैंने लिया, जो 2 कटोरी है मैदा उसे हमने 2 कटोरी मैदा है उसको हमने थोड़ा थोड़ा डाला, और 2 चम्मच बेसन भी लिया जो हमने उसे पूरा डाल दिया है, और अच्छी तरह उसको मिलाने लगे। और ठंडा दूध लेना है इसमें, गर्म दूध नहीं। इसको फ्रिज में रखा हुआ मिल्क जो 1 कटोरी लेना है, 1 कटोरी मिल्क जो हमें पूरा इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है इसमें डाल के, और मैदा भी 2 कटोरी हमें पूरा इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, ताकि ये देखिए थोड़ा और हमने डाला। अब इसके बाद थोड़ा और मिलाएंगे अच्छी तरह मिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे, और ठंडा फ्रिज का पानी मिलाना है, कोल्ड वाटर मिलाना है। इसको अच्छी तरह मिलाते रहने पे ये स्मूथ हो जाएगा, और इसके टेक्सचर भी अच्छा आएगा खिल के। ये देखिए अब इसको मैदा हमने पूरा डाल दिया है 2 कटोरी, और इसको अच्छी तरह मिला लेना है। दूध भी हमने पूरा फिनिश कर दिया है, इसको मिलाते रहिए अच्छी तरह मिलाते रहिए अपने हाथों से। और इसमें हमने नींबू भी डाला है, उसके बाद 1 नींबू पूरा डालिए, और उसको अच्छी तरह मिला लीजिए अच्छे से, बिल्कुल मिक्स हो जाए। बिल्कुल पतला बैटर चाहिए हमें घेवर के लिए, हमें इसको पतला बनाना है और अच्छी तरह मिक्स करके बनाना है। कोल्ड वाटर आप इसको डालते रहिए, और उसको पतला कर सकते हैं, करते रहिए। और उसको पतला करने के बाद इतना मोटा भी और इतना पतला भी ना हो कि देखिए इसको कितना पतला करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये इसको मिक्स करने के लिए इसको भी उस किया है मैंने मिलाने के लिए। देखो इतना पतला इसको तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है, और ये पफी सा हो जाएगा, और स्मूथ टेक्सचर भी होगा इसका, और आपको घेवर बनाने में आसानी रहेगी, जल्दी से घेवर बन जाएगा, और जल्दी से आपका बैटर में चिकनापन है इस करना है। ये देखिए चिकनापन आ गया इसको स्मूथ सा, जिससे आपका घेवर आसानी से बन जाएगा। अब हम घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए चाशनी बनने वाली है, चाशनी लग रहा है चाशनी बनने वाली है। देखिए इसका टेक्सचर देखते हैं हम कैसा है, अभी दिखाते हैं अब हम ये देखते हैं इसका। एक तार की चाशनी बनेगी, ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है, मैं बताती हूँ अभी। देखिए एक तार की चाशनी इस तरह से, ये देखिए ये आपकी चाशनी तैयार है। अब इसको हम कुछ देर रखते हैं, और हम मलाई बनाने की तैयारी करते हैं। मलाई मैंने 2 कटोरी मिल्क लिया है, और 1 कटोरी में मैंने केसर और थोड़ा सा कलर डाल के इसमें डाल दिया है, और इसको बॉईल होने के लिए रखा है, और कुछ देर बाद हम इसे मिल्क पाउडर जो है उसे हम मिल्क के साथ इसको थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बना के और इसमें डाल दिया है, ताकि लम्स ना पड़े इसको मिलाने में। इसलिए आप देखिए इसको मिला लीजिए इसमें, और उसे अब गाढ़ा होने दीजिए। अब गाढ़ा होता रहेगा, और कुछ देर बाद चीनी आप इसे चीनी मिलाइए, थोड़ा ही मिलाइए ज़्यादा नहीं। ये देखो इस तरह से इसको मिलाने पर कितना पतली मलाई बना लीजिए, ताकि आराम से आपके घेवर पर लग जाए इस तरह से। और
मसाले को मतलब अगर आपको ऊपर से डालना है ताकि आराम से बन सके, आपके ऊपर तेल के छींटे भी ना आए, और उसको आगे 10 मिनट में उसको रहने दीजिए, फिर उसको ऐसे उतार लीजिए आराम से और ये आराम से निकल जाएगा। पर थोड़ा सा केयरफुल करके करिए ताकि उठाने में आपको टूटे ना। ये देखिए मैंने इसको पलट भी लिया थोड़ा सा और ये तैयार है हमारी प्लेट पे। और इस तरह से मैंने चाशनी डाली थी, अब इसमें मलाई डालेंगे, लगा रही हूँ मैं। देखिए चारों तरफ इसको मलाई लगा दिया मैंने।